नमस्कार मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और उनसे भी कई हजार गुना ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। वृश्चिक राशि वालों, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर तीन बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप अपने जीवन में पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। जी हाँ, क्योंकि माता लक्ष्मी जी और भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में खूब सारा पैसा आने वाला है। पैसों से संबंधित बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर एक शोक संदेश दो, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ, क्योंकि आपके लिए कुछ ऐसा भाग्य का निर्माण हो चुका है जिससे कि जो लोग आपसे बात करना तक पसंद नहीं करता था, आपके सामने आपके साथ रहना भी पसंद नहीं करता था, वह लोग भी अब आपके आगे दोनों हाथ जोड़कर गिरते फिरेंगे। जी हाँ, बस आपको यह एक चीज अपने साथ अपने जेब में रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक चीज अपने जेब में रखने से आपके भाग्य का ताला खुल जाएगा, आपकी किस्मत के नए द्वार खुलने लगेंगे और फिर आपको जो जो चाहिए, गाड़ी बंगला घर द्वार, इज्जत मान सम्मान, बड़ी बड़ी सफलता, नौकरी करियर कारोबार में तरक्की, यानी कि हर एक प्रकार के चीजों में बदलाव होने लगेगा। यह चीज इतना पावरफुल है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी कुंडली में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है, बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। दोस्तों बता दें कि आपकी कुंडली का लेखा जोखा पूरी तरह से अब बदलने वाला है और जब आपकी कुंडली का लेखा जोखा बदलेगा तो इससे आपका जीवन भी बदलेगा। जी हाँ, इसलिए अब हम पूरे दावे के साथ रहते हैं कि आपका जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भाग्य के देवता भगवान ब्रह्मा जी ने आपकी भाग्य के ताले को खोल दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाली अगले 24 घंटे में आपकी दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में एक महापरिवर्तन होने वाला है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। माता महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में धन लक्ष्मी योग का निर्माण होने जा रही है। जी हाँ, जिस वजह से दोस्तों आपकी किस्मत की रफ्तार कई हजार गुना तेज होने वाली है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपकी किस्मत का बल्ले बल्ले होने वाले हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होगा और आपके दुश्मनों के साथ बहुत बड़ा हादसा होगा। जी हाँ, एक बहुत बड़ा कांड होगा, बहुत बड़ी घटना होगी और यह घटना कई सालों तक उन्हें याद रहेगा। कहते हैं, ना जाको राखे साइयां मार सके, ना कोई दोस्तों आपके ऊपर देवों के देव भगवान महादेव जी का हाथ है और साथ ही साथ भगवान ब्रह्मा जी का साया है। आपके घर में माता महालक्ष्मी जी का वास हो चुका है दोस्तों। आपको रुलाने वाला अब वह खुद खून की आंसू रोएगा। अब आपके दुश्मनों को एक एक करके खून की आंसुओं का जवाब देना पड़ेगा। जी हां, इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, अब आप हो जाइए तैयार और अब आपको डर डर कर जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने जीवन में डर डर कर घरा घरा कर बहुत जी लिए। अब आप शान शौकत से अपनी जिंदगी जीने को तैयारी कर लो। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपकी किस्मत का पैसा पलटने वाला है, अब आपकी किस्मत की बाजी पलटने वाली है। जी हां, बस आपको अपने साथ अपने जेब में यह एक छोटी सी चीज रखनी है दोस्तों। यह एक छोटी सी चीज है लेकिन इसका काम बहुत ही बड़ा है। जी हां, क्या एक छोटी सी चीज आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा? यह संजीवनी बूटी आपकी जिंदगी को सीधा स्वर्ग बना देंगे। जी हां, नरक से सीधा स्वर्ग दोस्तों। यह एक छोटी सी आप अपने साथ अपनी जेब में रख लेना, फिर देखना पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी, पूरी दुनिया आपकी इशारों पर नाचने लगेगी, आप जैसा कहोगे लोग वैसा ही करने लगेंगे और यह सब देखकर कुछ लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे और कहने लगेंगे कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या जादू कर दिया है, आखिर इन्होंने ऐसी कौन सी शक्ति छोड़ दी है जो कि पूरी दुनिया उनके कदमों में है। जैसा यह कहते हैं वैसे ही सारी दुनिया करती है। आखिर इसका क्या वजह है, क्या कारण है, यह सोच सोच कर सब लोग पागल हो जाएंगे, सब लोग सदमे में चले जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब वह समय आ चुका है
जो कि सारी दुनिया आपकी तलवे चाटेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस चीज को आप जैसे ही अपने जेब में रखोगे, इस समय से आप समझ जाना कि आपके भाग्य का ताला खुल रहा है। अब आपका सोया हुआ किस्मत जाग जाएगा और आपको जो भी कुछ चाहिए वह सभी चीज भी आपको मिलने लगेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे और उसके लिए आप काफी मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी वह चीज आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था। मिलते मिलते आपके हाथों में आते आते लेकिन किसी कारणवश आपके हाथों से दूर चला जाता था। अब वह चीज आपको मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, एक प्रकार से यूं कहें कि आपकी बरसों की तपस्या का फल मिलेगा। अपने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष की है, बहुत मेहनत की है, उसे संघर्ष और मेहनत का फल अब आपको स्वयं भगवान ब्रह्मा जी देने वाले हैं। बस आपको यह एक छोटी सी चीज अपने जब में रख लेना है, फिर आप अपने मन में जो सोचोगे वही होगा। आप अपने घर से जिस काम के लिए प्लानिंग करके निकलोगे वह काम भी आपका पूरा होकर ही रहेगा। आप उसे काम को पूरा करके ही वापस घर लौटोगे। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मामला अटका हुआ है तो आप उस चीज को आप अपने जेब में रख लेना। दोस्तों, मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको उसमें जीत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी जीत पक्की होगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंगल ग्रह ने अपना रास्ता बदल लिया है। जी हां दोस्तों, पहले मंगल ग्रह शनि ग्रह के साथ चल रहे थे और शनि और मंगल दोनों एक साथ मिलकर कार्य कर रहे थे, जिस वजह से आपको अपनी मेहनत का फल सही से नहीं मिल पा रहा था। आप अपने जीवन में काफी परेशान हो गए थे, काफी तनाव में, काफी डिप्रेशन में थे और मेहनत का फल सही से आपको मिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन अब मंगल ग्रह ने अपना रास्ता बदल लिया है। अब आपको थोड़ा सा सावधान भी रहने की जरूरत होगी। अगर आप मंगल ग्रह का सही सदुपयोग और सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को एकदम पूरा देखना होगा, क्योंकि मंगल ग्रह अब आपको मालामाल करने वाले हैं। दोस्तों, इस शुभ अवसर, शुभ समय में अगर आप उसे छोटी सी चीज को अपने जेब में रख लेते हैं तो फिर आपके लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। जी हां, सोने पर सुहागा होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही बढ़िया समय है। परेशानियां अब आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर करने का समय आ गया है। जो परेशानियां काफी लंबे से आपकी जीवन में थे और दूर होने का और आपके जीवन से समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था, वह समस्या, वह परेशानियां भी अब आपके जीवन से दूर होगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा, इसकी संपूर्ण और सटीक जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में प्रदान करने वाले हैं। बस आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त दीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि संपूर्ण वीडियो, आज की यह संपूर्ण वीडियो खास आपके फायदे के लिए ही बनाई गई है। मैं काफी समय से देख पा रहा हूं कि आपके जीवन में परेशानियां लगातार बनती आ रही हैं और यह परेशानियां खत्म होने का, दूर होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आखिर यह परेशानियां खत्म कैसे होगी, उसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन से विशेष बातों को ध्यान में रखनी होगी, क्या करने से भाग्य उदय होगा, क्या करने से किस्मत चमकेगी, क्या चीज आपको अपने जब में रखने से आपकी सभी समस्या दूर होगी और आपको जो जो चाहिए वह सब मिले, इसकी भी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप माता रानी लक्ष्मी जी के और भगवान ब्रह्मा जी के सच्चे भक्त हैं तो आप सबसे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेम से 3 बार जय माता दी लिख दीजिए। दोस्तों, इसे माता रानी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका पूरा परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा। ये माता रानी का आशीर्वाद है, तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके साथ मंगल ग्रह चलने वाले हैं, जिससे कि अब आपका सारा काम मंगल ही मंगल होगा। यहां तक जो इंसान आपसे बात करना तक पसंद नहीं करता था, जो व्यक्ति आपको देखना तक नहीं चाहता था, आपको देखकर अपना मुंह मोड़ लेता था, वह इंसान भी अब आपके सामने अपना दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा और अपनी सारे की कराए का माफी मांगेगा। जी हां, क्योंकि यह एक छोटी सी चीज अपने जेब में रखने से आपकी किस्मत और आपका जीवन दोनों पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि यह एक छोटी सी चीज अपने जेब में रखने से देवों के देव भगवान महादेव जी का आपके साथ मिलेगा। धन की देवी माता
महालक्ष्मी जी का आपके साथ मिलेगा और यहाँ तक भगवान ब्रह्मा जी का भी आपके साथ मिलेगा, जिससे आपके जीवन में खूब सारा धन दौलत मिलेगा, खूब सारा पैसा आएगा, आपके घर में सुख शांति आएगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपके जीवन से सभी मुसीबत सभी बला टलेगी और सभी देवी देवता हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। सभी देवी देवताओं का कृपा दृष्टि हमेशा आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे और सभी का आशीर्वाद मिलेगा। आपके घर में आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएंगे, कोई भी बुरी शक्ति बुरी संज्ञा आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। वह चीज इतनी शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है कि क्या ही बताएं दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस दुनिया में इस धरती पर जितने भी सफल इंसान हैं, जितने भी सफल व्यक्ति हैं, उन सभी व्यक्तियों ने इस चीज को हमेशा अपने जेब में रखा है और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी किया है। दोस्तों, जब आप दूसरों को देखते हैं तब आपके मन में एक ख्याल जरूर आता होगा कि आखिर यह लोग अपने जीवन में इतने खुश क्यों रहते हैं और इतनी तरक्की कैसे करते हैं, इसका क्या फार्मूला है, इसका क्या वजह है, क्या कारण है, क्या इनके लिए भगवान स्पेशल है। भगवान तो सभी के लिए एक ही है, फिर यह लोग अपने जीवन को इतने खुशहाली से कैसे जीते हैं। तो दोस्तों, आप ही जानकारी के लिए बता दें, कुछ ऐसा फार्मूला है जो कि कुछ लोग अपनी जीवन में समय पड़ने पर इस्तेमाल करते हैं और फिर सभी परेशानियों से निजात मिल जाता है। तो हम आज के इस वीडियो में उन्हीं फार्मूलाओं के बारे में आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, जब आप इस चीज को अपने जेब में रखना शुरू कर दोगे, उसी दिन से धन की देवी माता महालक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी दोनों आपके ऊपर मेहरबान होना प्रारंभ हो जाएंगे। जी हां, फिर देखना कैसे आपके जीवन में धन दौलत की बरसात होती है, किस तरह से आपके जीवन में पैसों की बारिश होने लगती है। दोस्तों, आपके घर में सिर्फ और सिर्फ नोटों की ही बारिश होने लगेगी, बड़ी बड़ी पैसों की बंडल मिलने लगेगी। माता महालक्ष्मी जी और भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से तो आपको आज से और अभी से ही है चीज अपने जीवन में उपयोग करना शुरू कर देना है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा बड़ा महाचमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। हम बताने वाले हैं कि सुनकर और देखकर आप चक्कर खा जाओगे। जी हां, खुद आपको शक्कर आ जाएगा, क्योंकि अब आप करोड़पति बनने वाले हैं। जी हां, धन की देवी माता महालक्ष्मी जी और भगवान कुबेर महाराज जी स्वयं आपको करोड़पति बनने वाले हैं। इतना धन इतना पैसा आपके जीवन में आएगा, आप गिनते गिनते थक जाओगे, गिनने की फुर्सत नहीं मिलेगी। जी हां, बस आपको यह एक चीज जब में रख लेना है। क्या है वह चीज और वह चीज आपको कहां पर मिलेगी, इसके बारे में हम सटीक और संपूर्ण जानकारी पूरे विस्तार से इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। यह एक छोटी सी चीज अपनी जेब में रखने से पैसा खींचता हुआ आपके पास चलाएगा। जी हां, और जिसको भी आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं वह भी आकर्षित होने लगेगा। जी हां, यदि आप पुरुष हैं तो आप इसे अपने शर्ट के ऊपरी जेब में रखें और यदि आप स्त्री यानी कि महिला है तो फिर आप उसे अपने पर्स में रख सकते हैं या फिर धागों से अपनी कलाई में बांध सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप अपने सुविधा के अनुसार अपने साथ कहीं पर भी रख सकते हैं, आपको फायदा उतना ही होगा, कम नहीं होगा। जी हां दोस्तों, आज हम आपके लिए जो उपाय लेकर आए हैं, इस उपाय में आपको कोई वशीकरण और कोई मंत्र की जप नहीं करनी है, सिर्फ आपको अपनी जेब में एक छोटी सी चीज रखनी है। दोस्तों, आपको कोशिश सिर्फ इतना ही करनी है कि आप जब भी घर से बाहर जाएं, जब भी किसी नए काम के लिए घर से निकले तो आप इसे हमेशा अपने साथ रखें, अपने साथ लेकर ही निकले। जी हां, वह चीज है मोर की कलगी। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह मोर का पंख नहीं है, यह मोर का कलगी है जो कि मोर के सिर पर रहता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले आपको एक लाल रेशम का कपड़ा लेनी है और फिर उसे कपड़े में मोर की कलगी को किसी भी शुभ दिन उसे लाल कपड़े में बांध लेनी है और फिर उसे अपने पर्स में या फिर अपने जेब में या फिर आप अपने गले में पहन सकते हैं। दोस्तों, इसे पहनने के बाद आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके जीवन में चीज बदलने लगी है, लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगी हैं और आपकी जो भी इच्छा है वह सभी इच्छा भी पूरी होने लगेगी, आपकी सोच हुए सभी काम बनने लगेंगे। ये बहुत ही पावरफुल चीज है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे आपको क्या करनी है, कौन सी बड़ी खुशखबरी आज के दिन आपको प्राप्त होगी, समय कैसा आपके लिए रहेगा, किस प्रकार से ग्रहों की स्थिति रहेगी और कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी,
सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को आप बिल्कुल अकेले में देखना, किसी को भी मत बताना। बड़े राज की बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आपकी जिंदगी की पूरी नया पलटने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अब आपके जीवन में ईश्वर का चमत्कार चलेगा। जो भी होगा भगवान के मर्जी से होगा और भगवान के आदेश से होगा। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी की पूरी कायनात बदलने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपको इस बार एक सुख नहीं, तीन तीन बड़े सुख मिलने वाली है, जिसकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। वह सुख अब आपकी झोली में आकर गिरने वाली है। वीडियो बहुत खास होने वाली है, सबके सामने देखने की गलती मत करना। आपसे विनती है कि चुपचाप किसी बंद कमरे में वीडियो देखना और सभी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, आज की वीडियो में केवल फायदा ही फायदा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों भगवान विष्णु देव जी के आशीर्वाद से अब आपको बिना मेहनत का फल मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने पिछले समय अंतराल में मेहनत खुद की है, जिसका क्रेडिट आपको अभी तक नहीं मिला था, वही फल वही क्रेडिट अब आपको मिलने वाला है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके मेहनत का, आपके प्रयास का क्रेडिट कोई और लेकर ना चला जाए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह खुशखबरी आपको किस तरह से प्राप्त करनी है, कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखनी है और किस तरह से प्लान करके चले, ताकि आपको इस शुभ अवसर का पूरा पूरा लाभ मिल सके। बिल्कुल ग्रह गोचर के अनुसार बताएंगे। आज की है पूरी वीडियो ग्रह गोचर एवं आपके चंद्र राशि पर आधारित है। थोड़ा सा समय देकर वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज आपको इस वीडियो में जो लाभ होगा सुनकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आने वाली अगले 24 घंटे तक अपने दिल और दिमाग दोनों शांत रखना। जी हाँ, और घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद करके आज की यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना। आज हम आपके लिए ऐसे ऐसे गुड न्यूज लेकर आए हैं जिन्हें जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों रिद्धि सिद्धि के दाता और धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी तो आपके जीवन में बहुत आए होंगे और चले भी गए होंगे, लेकिन दोस्तों इस बार हम आपके लिए वह खुशखबरी लेकर आए हैं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको ऐसी खुशखबरी प्राप्त होगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। लेकिन सावधान हो जाइए, क्योंकि दोस्तों अब आपको सावधान होने की जरूरत है। अब आपको संभल संभल कर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों जो आपके नसीब में नहीं है वह भी अब आपको मिलने वाला है, क्योंकि माता रानी लक्ष्मी जी और रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी दोनों आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज केवल नसीब वाला ही इस वीडियो को देख पाएगा। देखिए दोस्तों, यूट्यूब पर हर रोज वीडियो बनती है, लेकिन जो जानकारी हम आपको देते हैं और जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं, ये जानकारी आपको कोई नहीं दे सकता और ना ही किसी ने आपको दिया होगा, क्योंकि दोस्तों हम जो भी बातें बताती हैं वो सभी बातें ग्रह गोचर पर आधारित होती हैं। वीडियो का निर्माण करते समय पूरी कुंडली विश्लेषण करते हैं और बदलती ग्रह गोचर के अनुसार बताती हैं। आज आपको केवल वही बातें बताएंगे जो आपके साथ घटित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की यह वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखकर आप आने वाले भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। भविष्य में होने वाली सभी छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिनसे आपको बचकर रहना है, और कुछ ऐसी घटना है जो कि आपके नसीब के द्वार खोल देगी। जी हाँ, लेकिन सही समय पर सही चुनाव करना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में इसी के ऊपर विस्तार से बताएंगे। थोड़ा सा समय देकर वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आने वाली अगले 24 घंटे के अंदर घर घर जाकर मिठाई बांटोगे। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी सुनकर 440 वोल्ट का झटका लगेगा। जी हाँ, अगले 24 घंटे में जो खुशखबरी आपको मिलने वाली है, देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, देवों के देव महादेव जी ने चली अपनी चाल। अगले 24 घंटे में जो होगा उसे देखकर आपको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, देवों के देव महादेव जी अब आपकी कुंडली में विराजमान हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले इन 24 घंटे में आपका सबसे बड़ा सपना सच होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में महादेव जी का महाखेल शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें
कि पूरे 171 साल का रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बुध और शुक्र आपके कुंडली के आर्थिक भाव में सबसे नजदीक आकर विराजमान हो चुकी है, और यह परिवर्तन आपकी जिंदगी में अब ऐसा चमत्कार करेगा जो कि दोस्तों आपके भी होश उड़ाकर रख देंगे। जी हां दोस्तों, सारी दुनिया वाले देखेंगे अब आपका जलवा। दोस्तों अब ऐसा परिवर्तन होगा आने वाले अगले 24 घंटे में जो कि आपकी जिंदगी को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। दोस्तों भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आप अपने जीवन में चाहे कितने भी मुसीबत झेल रहे हो उनका अब अंत होना सुनिश्चित हो गया है। जी हां दोस्तों, अब आपकी आर्थिक जीवन में अचानक से बदलाव होता हुआ दिखाई देने वाले हैं। अब आपके सामने ऐसे राह अचानक से उत्पन्न होंगे जिन पर चलने से आपका भाग्य उदय होने लगेगा तथा आपका किस्मत हीरे के समान चमकता हुआ दिखाई देगा। जी हां दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बुरे ग्रह दोषों से जूझ रहे हैं तो अब आप निश्चित हो जाइए, आपके जीवन में जितने भी ग्रह और बुरे दोष चल रहे हैं बुध और शुक्र अब उनका अंत करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तरक्की के घोड़े पर सवार हुई आपकी किस्मत। जी हां दोस्तों, यह दो राजयोग आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, और दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अंतरिक्ष के कई ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है, बुध का राशि परिवर्तन हो चुका है, और यहां तक गुरु शुक्र भी अपना बड़ा राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो दोस्तों इतने सारे ग्रह अपना अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और यह परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। जी हां दोस्तों, दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बताना चाहेंगे, जब जब ग्रहों में राशि का परिवर्तन होता है तब तब हमारे जीवन में बदलाव होते हैं। ग्रहों में अगर राशि का परिवर्तन ठीक ठाक है तो हमारा जीवन सही तरीके से चलता है और सही तरीके से व्यतीत होता है। ग्रहों की चाल अगर सही हो तो इंसान को कम मेहनत में ही बड़ी सफलता मिलने लगती है, और अगर ग्रहों की चाल सही ना हो तो इंसान लाख प्रयास करता है, लाख कोशिश करता है, फिर भी उन्हें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता है। जी हां दोस्तों, इन सभी का मुख्य कारण होता है ग्रहों की चाल, लेकिन इस बार ग्रहों की चाल काफी शुभ नजर आ रही है और इसका सकारात्मक असर आपके जीवन में पड़ने वाला है। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे का संपूर्ण भविष्यवाणी आज की इस वीडियो में होने वाला है और 100% सटीक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर अंतरिक्ष के ग्रह गोचर और आपकी किस्मत कुछ ऐसा रंग रूप दिखाने वाले हैं जिससे आपको अनुभव होगा कि मान लीजिए आपका किस्मत तरक्की के घोड़े पर सवार हो चुकी हो। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कामयाबी ही कुछ ऐसी मिलने वाली है जिससे आपके आस पड़ोस में गली मोहल्ले में जो लोग आपसे जलते थे बोलो और जल जलकर खाक होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि जिंदगी जीने का असली मजा अब आने वाला है। जी हां दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में यह मायने नहीं रखता है कि आपने अपनी जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने यह रखता है कि आप अपने जीवन में कितना खुश रहे, क्योंकि दोस्तों यह जिंदगी 4 दिनों की जिंदगी है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप किस जिंदगी की गाड़ी किसी गलत आदमी के हाथ में ना लग जाए। जी हां दोस्तों, गलत संगति से, गलत लोगों से दूर ही रहिएगा, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। आप उसके साथ जरूर रहिए जिनका तबीयत खराब हो, लेकिन उनके साथ कभी मत रहिए जिनका नियत खराब हो, जो कि खराब तबीयत पुनः ठीक हो सकता है लेकिन खराब नहीं है, न कभी ठीक होगा और न दूसरों को ठीक रहने देगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोग ना कभी जीवन में आगे बढ़ पाते हैं और ना दूसरों को आगे बढ़ने रहती है। तो आप इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि आप ऐसे संगति के माहौल में कभी ना रहे। आने वाली अगले 24 घंटे का समय विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। जिन विद्यार्थियों ने किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आप इस समय किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और आप जीत हासिल कर सकती हैं। लव लाइफ यानी कि प्रेमी जोड़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि व्यर्थ के प्रेम में पड़कर आप अपने भविष्य के साथ, आप अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ ना करें और ना ही कोई कंप्रोमाइज करें। जी हां दोस्तों, यह समय आपका है और यह बहुत कीमती समय है, चाहे आप इसे सोना बना लो या फिर सोने में गुजार लो।
ये आप पर डिपेंड करता है दोस्तों। ग्रहों की ये बदलती चाल आपके लिए खुशियां लेकर आने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला खुशखबरी है बेरोजगार लोगों के लिए। जी हाँ, जो लोग अपनी बेरोजगारी की समस्याओं से परेशान हो चुके हैं, अब उनकी बेरोजगारी की समस्या भगवान विष्णु देव और माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से दूर होने वाले हैं। अगले 24 घंटे के भीतर आपको रोजगार से रिलेटेड कोई ऐसा समाचार मिलने वाला है जिसे सुनकर आप गदगद हो जाएंगे। जी हाँ, और दूसरा शुभ समाचार है शादीशुदा लोगों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए। जी हाँ, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहती हैं या फिर जो लोग प्रेम विवाह के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, उनको घर वालों की तरफ से मंजूरी मिल सकती है। जी हाँ, और जिनकी शादी हो चुकी है, शादीशुदा लोगों के जीवन में अब एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। जिन लोगों की जीवन में आपस में नहीं बन पा रही थी, बात विवाद हो रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उनको अब सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। और तीसरा शुभ समाचार है नौकरी पेशा लोगों के लिए। जी हाँ, इनके लिए बहुत ही बड़ी शुभ समाचार है कि नौकरी पेशा लोगों के जीवन में अब बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हर तरफ से लाभ ही लाभ होगा, लेकिन उसके लिए नित्य दिन माता रानी लक्ष्मी जी को पूजा आराधना करनी है। इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि जिस वक्त आप पूजा आराधना कर रहे हैं, उस वक्त आप माता रानी के साथ साथ भगवान विष्णु देव जी की भी पूजा करें। जी हाँ, तभी आपके रोजी रोजगार में वृद्धि होगी और तभी आपके घर माता रानी लक्ष्मी जी का वास होगा। ऐसा करने से आपके घर में धन दौलत में बरकत होने लगेगी, रुपया पैसा आपके घर दिखने लगेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत पर ध्यान देंगे, अपने कमाई पर ध्यान देंगे, तो आप ज्यों के त्यों रह जाएंगे। थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना होगा कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको जरूर सोचना है। नहीं तो आप अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप कमाते बहुत हैं। कमाई के साथ साथ खर्च भी बढ़ता है, जिस पर आपको लगाम लगानी होगी। दोस्तों, बात समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से कहिए गा जय माता दी। इससे माता रानी का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ गुरु जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगले 24 घंटे ग्रहों की जो स्थिति है, वह आपके लिए राजयोग का निर्माण कर रही है। आपके लिए धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, यानी कि आपको धन मिलने वाला है, आपका रुका हुआ धन मिलने वाला है, फंसा हुआ धन मिलने वाला है। और पूर्व में अगर आपने किसी को धन उधार दिया था, तो वह धन भी आपको अगले 24 घंटे के अंदर प्राप्त हो सकता है। और यह बड़ा चमत्कार भगवान श्री गणेश जी और माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से होने जा रही है। इसीलिए हमने कहा है कि जो आपके नसीब में नहीं है, जिसको आपने अपने तरफ से भुला दिया था, ना मिलने के बराबर था, वह भी अब आपको मिलेगा। लेकिन अपने दिल और दिमाग दोनों शांत रखना, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि उसके जीवन में कुछ आते ही कुछ लोग खुशी से पागल होने लगते हैं और उस खुशी का ढिंढोरा सब जगह पीटने लगते हैं, सभी को एक एक कर बताने लगते हैं। इससे आपका यह नुकसान होता है कि आपकी खुशियां एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं होने लगती हैं और वह लोग आपके बारे में बुरा सोचने लगते हैं कि किस तरह से यह खुशियां आपसे छीना जाए। तो यही गलतियां यहां पर आपको नहीं करनी है। भगवान जो चीज आपको दे रहे हैं, चुपचाप अपने तक ही सीमित रखना। जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ निवास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदल सकता है। अगर आपको इतिहास बदलना है तो आपको पसीने से नहाना होगा, दिन रात एक करना होगा। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर जीवन में दुर्भाग्य से भीख मांगना ही लिखा हुआ है, तो क्यों ना हम बड़े दरवाजों के सामने अपना हाथ फैलाए। दोस्तों, इसका कहने का मतलब यहाँ है कि जीवन में हमें जो भी कार्य मिला है और जो हम कर सकते हैं, उस कार्य में सबसे बेहतर क्या होता है और उस कार्य में हम सबसे बेहतर क्या कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमें उस कार्य में बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है, उनकी हमेशा जीत होती है, क्या तो सीख होती है। और दोनों चाजें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं कि आज आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, आपके जीवन में अच्छे स्थितियों का निर्माण होगा। देखिए दोस्तों, आज के दिन आप अपने कर्तव्य क्षेत्र में डटकर प्रयास करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यह जो अगले 24 घंटे का समय है, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है।
देखिए दोस्तों, आज आपका ऊर्जा का स्तर काफी बेहतर रहने वाला है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आज आप कहां जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। यह दोनों चीजों पर अभी आपको विशेष कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। ज्यादा आवाज ही करना अभी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है और जरूरत से ज्यादा बात करना बोलना आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। आज आप ज्यादा से ज्यादा मौन रहने का ही प्रयास करें तो कि आपके लिए बेहतर होंगे। देखिए दोस्तों, आज पैसों के मामले में स्थितियां काफी अच्छी रहेगी और आज पैसा बचाने का ख्याल आपके मन में आएगा। किसी ऐसे प्लान में आप अपना धन व्यय कर सकते हैं। आज आप खुद की जरूरत से अधिक आलोचना करने के मूड में हैं। आपको भी पता है कि आपकी अधिकतर चिंताएं निरर्थक हैं, फिर भी आप चिंता करते रहते हैं। इसका एकमात्र समाधान यह है कि अपने किसी ऐसे करीबी से सा अपनी चिंताओं के बारे में बात करें जो आपको सहारा दे सके। इससे पहले कि आप विकर्षित अनुभव करें, आपको किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। यह समय कुछ एक साहसी कदम उठाने के लिए बिल्कुल ठीक है। यह कदम पीछे खींचने का समय नहीं है। कोई निर्णयात्मक कदम उठाएं, अवसरों का लाभ उठाने से न चूकें। जीवन में इस समय विश्वास से उठाया गया एक एकदम आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। आपको अभी बेशक यह महसूस न हो, यह समय पुराने संबंधों का मूल्यांकन करने और नीरस हो चुके संबंधों को तोड़ाच फेंकने के लिए भी बिल्कुल सही है। ग्रहों की स्थिति दर्शाती है कि आपके रास्ते में कोई बड़ी बाधा आने वाली है। इससे आपकी लव लाइफ और करियर दोनों ही प्रभावित होंगे। इस समय जरूरी है कि आप अपने पार्टनर की बातों और शब्दों पर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं न दें। इसके स्थान पर उनकी हर भाव भंगिमा को निष्पक्ष होकर जांचें। इससे आपको सही फैसले लेने में मदद मिलेगी। आप अपने कार्यों को करते हुए धैर्य रखते हैं, पर आज आप में अधिकार की भावना रहेगी। आपको ये एहसास करने की जरूरत है कि चीजें अपनी गति से आगे चलेंगी और ज्यादा पाने की चाह आपको पीछे की ओर धकेल सकती है। आप में हमेशा धैर्य की भावना रही है और हमेशा से निर्धारित मार्ग की तरफ आप अग्रसर रहे हैं। आपको ये याद करने की जरूरत है कि क्यों आप इस पथ पर आगे की ओर बढ़े थे और उसी पथ पर आगे बढ़ते रहे। आज आपके मुख्य शब्द आराम और राहत रहेंगे। आप पिछले कुछ दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हैं और अब इस मेहनत का आनंद लेने की बारी है। बहुत बड़ी पार्टी ना रखें, छुट्टी का दिन शांति से बिताएं। अपने किसी विशेष प्रियजन से बात कर लेने से आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। आपको स्वास्थ्यकर आदतें अपनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हो सकता है कि आपका जिद्दी और अड्डियल स्वभाव ही इसका कारण हो और आपको आगे बढ़ने से रोक रहा हो। सबसे अधिक महत्व अपनी सेहत को दें। हर रोज रात से पहले आराम करने, सुबह उठकर जिम जाने और संतुलित भोजन ही करने की आदत पर अड्डी डीएच जाए तो आपकी सेहत में बहुत लाभ हो सकता है। आज अपने रिश्ते को जांचकर कुछ मर्यादित सीमाएं बांधने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आज आपको यह महसूस हो जाएगा कि आप अपनी क्षमता से अधिक देते रहे हैं, फिर भी आपका पार्टनर आपसे संतुष्ट नहीं है और उसकी मांगें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इन मांगों पर सीमा लगाने से आपके रिश्ते में मजबूती ही आएगी और इससे आपके रिश्ते को ऐसा नया रूप मिलेगा जिससे आप और आपके पार्टनर दोनों को ही अधिक राहत महसूस होगी। जैसे जैसे दिन आगे की ओर बढ़ेगा, ये और बेहतर होता चला जाएगा। आपने पिछले कुछ दिनों में जो निराशाओं का अनुभव किया है, उनका अंत हो जाएगा और आप आशावादिता की ताजा हवा में सांस ले सकते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी क्षमता के अनुरूप कठिन मुद्दों से निपटने के लिए आपको पुरस्कृत भी कर सकते हैं और इस समय आप किसी भी बिंदु पर अपने शीर्ष प्रबंधन से लेकर अपने से निचले अधिकारियों से अपनी राय या अपनी बात रख सकते हैं, जिसके लिए यह समय उपयुक्त है। अपने जीवन पर नियंत्रण रखें और सबके कहने या कुछ करने की कोई भी परवाह ना करें। इसके स्थान पर आराम से खुद की इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करें और उनका विश्लेषण करें ताकि किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंच सकें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके फैसले से ऐसी किसी व्यक्ति को दुख न हो जो आप पर भावनात्मक रूप से निर्भर है। अच्छी सेहत पाना आपके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस एक फिटनेस कार्यक्रम बनाकर उसके अनुसार चलें और आपकी सेहत उसी से अच्छी रहेगी। शरीर को रिलैक्स करने
और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। आपको अपने लक्ष्यों को सच करने के लिए अपने सपनों की जिंदगी बिताने की जरूरत है। अगर आप सेहत अच्छी रखेंगे तो ही आपको इसका मौका मिल पाएगा। आप जितना समय अपने पार्टनर को देना चाहते हैं, अपने व्यस्त शेड्यूल तथा कई बाहरी कारणों के चलते उतना समय नहीं दे पाएंगे। आपका अधिकतर समय अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट पूरी करने में ही निकल जाएगा। अपनी भावनाएं अपने पार्टनर को बताना न भूलें और आप पाएंगे कि वह आपकी सोच से भी कहीं अधिक समझदार हैं। आज कार्य क्षेत्र में आप किसी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन अपने सहकर्मियों की आलोचना न करें। आप ग्रहों के प्रभाव की वजह से तनाव और गुस्से में आ सकते हैं और आप इसकी भद्दास अपने सहयोगियों पर निकाल सकते हैं। इसकी वजह से आपके कार्यस्थल में अनावश्यक और अतिरिक्त तनाव पैदा होगा और यहां तक कि वह आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। अतः इसे आप दूर रहने का प्रयास करें। आप एक साधारण आदमी हैं और इसीलिए आप संबंधों में कोई चालाकी नहीं करते। इससे आपको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन यह सब अधिक समय तक नहीं चलेगा। आखिर में चालाकी के स्थान पर आपकी सरलता की ही जीत होगी। अपनी संवेदनाओं को नियंत्रण में रखें। करीबियों के साथ अच्छा वक्त बिताने की संभावना बनी हुई है। आज का दिन कोई भी नई शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नौकरी, करियर या बॉस बदलने या कोई नया संबंध शुरू करने की योजना भी बना रहे हैं तो आज का दिन बिल्कुल सही है। अगर आपको कोई जोखिम लगता भी है तो भी चांस लेने में कोई बुराई नहीं। अही अंत में वही होगा जैसा आप चाहते हैं।